हेलो गाइस, क्या हालचाल सभी को। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आगे आपका अपना मिशरा जाट अपने चैनल पे एक और नया व्लॉग लेके। तो गाइस, आज मैं आपको अपने इसी नए व्लॉग के साथ लेके आया हूँ अमृतसर की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैपनिंग और बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट जगह पे। कहाँ पे गाइस? चिलन ग्रिल पे। हाँ जी गाइस, चिलन ग्रिल। तो गाइस, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कम समय में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अमेजिंग मुकाम हासिल कर लिया है। चलते हैं इनके ओनर के पास और इनसे पूछते हैं क्या ऐसा क्या है इनके खाने में जिसकी वजह से ये इतनी हैपनिंग जगह बन गई है। लेट्स गो गाइस, चलते हैं सीधा ओनर के पास, चिल के ओनर के पास और करते हैं थोड़ी बातचीत। हाँ जी भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू जी? वेलकम सर। हाँ जी, वेलकम टू ग्रिल एंड चिल्स। ओके भैया, सबसे पहले अपना नाम बताओ हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम नित्यना जी। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो जगह इतनी मोस्ट हैपनिंग और इतनी अमेजिंग बन गई है थोड़े ही समय में, उसके पीछे एक कारण क्या है और उसका राज क्या है? सर, इसका सिंपल सा लॉजिक है जी, हमारा एक ही मोटिव है, हमने क्वालिटी फूड देना है, ठीक है, एक बेंचमार्क सेट करके दिखाना लोगों को। फ्लेवर है वो हमारे पास आए, हमारी क्वालिटी चेक करें, हमारे प्रोडक्ट खाएं, देखें कैसा हम उनको सर्व कर रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी का बिज़नेस है, हम सिर्फ लोगों को कह रहे हैं कि एक बार फूड टेस्ट कीजिए, उसके बाद हमें उसका रिस्पांस दीजिए, और बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। बैक टू बैक हमारे पास कस्टमर रिपीट आ रहे हैं, तो वी आर सेटिस्फाइड। बाकी रेस्ट आप हमारा फूड खा के देखें, फिर आप बताइए हमें कि कैसा है। सर, हमारे सभी आइटम्स जो है वो शेफ़ की स्पेशलिटी है। ओके, आप हमारा तंदूरी में ले सकते हैं, चाइनीज़ में, इंडियन कुजीन है हमारे पास। तो भैया, आप ऐसा कीजिए कि जो आपको आपके तरफ से जो आपकी तीन चार आइटम्स बहुत बेस्ट लगती हैं ना जी, स्नैक्स में जी, और दो तीन आइटम्स ग्रेवी में जी, आप हमें वो ट्राई करवाएं, आज वो सर्व करवाएं, फिर हम उसको टेस्ट करके अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि हमें आज आपका खाना कैसा लगा। ठीक है भैया जी। सर मैं आपके लिए बनवाता हूँ स्पेशल डिशेज। ओके भैया, ठीक है। और भैया, थोड़ा सा हमने दिखाना भी, आपका खाना बनाते हैं वो दिखा भी सकते हैं ना आपके व्यूअर्स को? आप एक बार हमारी किचन के अंदर आपको मैं लेके चलता हूँ, आप हमारे सारे यूनिफॉर्म के अंदर आपको स्टाफ मिलेगा, प्रॉपर पूरा हाइजीन का ध्यान रखते हैं जी। लेट्स गो गाइस, चलते हैं सीधा ग्रिल्स एंड चिल्स की किचन में और दिखाते हैं आज आपको क्या, आज हम इनके पास क्या क्या ट्राई करने लगे हैं। अजनीतम भैया, अब सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट आइटम है हमें वो आप क्या ट्राई करने लगे हैं? मैं आपको सर अभी तंदूरी के अंदर देता हूँ जी, नॉन वेज में आपके लिए मैं चिकन पुदीना टिक्का देता हूँ। ओके, मैं आपको मैं मशरूम टिक्का, ठीक है जी, पनीर टिक्का, ओके, ये आपको ट्राई करवाते हैं तंदूर से, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको चाइनीज में डिश ट्राई कराता हूँ जी। ओके, तो चाइनीज के अंदर मैं आपके लिए चाइनीज सिंगापुरी, ओके, ब्लैक पेपर है अपने पास, चिकन लॉलीपॉप है। तो गाइस, चलते हैं इनकी किचन में और दिखाते हैं आपको क्या जब ये क्या क्या ट्राई कराने लगे हैं। हेलो गाइस, ये हमारा लग रहा है चिकन सिंगापुरी। तो भैया, अब शेफ साहब हमें बताएंगे कि इन्होंने इसमें अभी क्या क्या डाला हुआ है। हाँ जी भैया, क्या क्या डाला है? हाँ जी, जिंजर गार्लिक, रेड येलो शिमला मिर्च, रेड येलो शिमला मिर्च होगी, हाँ, प्याज, प्याज अनियन हो गए, अनियन हो गए, ओके, इसके बाद वाटर डाले, वाटर, इसके बाद नमक, ब्लैक पेपर, उसके बाद जो सोया सॉस चिली सॉस हो गए सारे वो डाल दिए आपने, हाँ जी, और डाली सोया सॉस आपने, हाँ जी, ठीक है भैया। आगे भैया और क्या डाल रहे हैं? आने का अभी क्या विनेगर डाला है, इसके बाद डाला आपने टमाटो सॉस, टमाटो सॉस, टमाटो सॉस आगे, उसके बाद रेड कलर डाला आपने, हाँ जी, ठीक है जी जी। इसके बाद धनिया, धनिया आ गया जी, इसके बाद गार्लिक सॉस, गार्लिक सॉस आ गई जी, और ये आपके अपने स्पाइसेस, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। अभी भैया और क्या डाला आपने? काजू डाले हैं, क्या बात है, काजू काजू किलो भैया, हाँ जी, हाँ जी सर, काजू किलो जी। चिकन हुआ जो हमें पेश होगा चिकन सिंगापुरी के रूप में, हाँ जी। अभी डाल दिया आपने चाइना सॉल्ट और, हाँ जी, ये क्या लाल मिर्च डाला, लाल मिर्च फ्राई की हुई, हाँ जी, ओके, लो जी, ये होगी धनिया की बारिश। आज तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि अमृतसर में बैठ के हम खाने लगे हैं सिंगापुर की डिश जिसका नाम है चिकन सिंगापुरी। हेलो गाइस, हमारी आइटम सेकंड आइटम लगने लगी है चिकन लॉलीपॉप, ठीक है जी, ठीक है। ये पहले क्या गया इसमें? गार्लिक गया जी, हाँ जी, ठीक है जी। इसके बाद रिफाइंड आ गया, हल्का रिफाइंड आ गया, हाँ जी, ओके, ऐड हो गया जी, अदरक जिंजर आ गई, हाँ जी, ठीक है जी। इसमें हम डालेंगे रेड येलो, इसमें क्या गाइस, रेड एंड येलो पेपर सब मिक्स है सर इसमें, ठीक है जी। ये गाइस अभी की टमाटो सॉस,
चिली चिली सॉस। हाँ जी, ये क्या डाला भैया? विनेगर आ गया सर। विनेगर आ गया, हल्का सा रेड कलर आ गया। रेड कलर आ गया। हाँ जी, ओके। इसको हम मिक्स करते सर। एक नमक आ गया सर। ओके। इसमें हल्का काली मिर्च आ गया। काली मिर्च आ गया। हाँ जी, थोड़ा सा इसमें चीनी आ गया। थोड़ी हल्की सी शुगर आ गई गाइस। हाँ जी, इसको हम अब मिक्स कर लेंगे। गाइस, मेरे को इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी है, जो इन्होंने अपने कोई भी आइटम में ये कोई चीज़ यूज़ नहीं की, जो होता है ना कॉर्नफ्लोर वगैरह, इन्होंने किसी भी आइटम में कोई चीज़ यूज़ नहीं की। सबसे इनका बेस्ट पार्ट जो मेरे को ये लगा। अरे गाइस, हमारी फ्राई हो रहे हैं चिकन लॉलीपॉप, क्या बात है गाइस। लग रहे हैं गाइस, डायमंड होता है ना, डायमंड वो चीज़ लग रही है भैया। तो थोड़ा बाहर निकालेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे कर, बाहर निकल के चेक करो हमारे व्यूअर्स को क्या डाले आपने। लो गाइस, दीज आर चिकन लॉलीपॉप गाइस, ये हैं चिकन लॉलीपॉप हमारे। ओके, जब सब बोल रहे हैं कि ये जो चिकन लॉलीपॉप है, हाँ जी, अभी इसमें ग्रेवी में जाने का टाइम हो गया। हाँ जी, डालो भैया, डाल दो। लो गाइस, ये इसमें चिकन लॉलीपॉप ऐड हो गया इसमें सर, ग्रेवी में। हाँ जी, ब्यूटीफुल एक्सीलेंट एंड लुकिंग माउथ वाटरिंग गाइस, लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सो डिलीशियस गाइस। एंड गाइस, हमने कर दिया गार्निश धनिया के साथ। हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा। हाँ जी, इसमें तिल ऐड हो गया सर। ये क्या डाला भैया आपने लास्ट में? तिल। अच्छा, वाइट तिल। हाँ जी गाइस, एंड में डाले इन्होंने वाइट तिल। हाँ जी, ठीक है जी। बस अब ये बन के सर तैयार हो गया हमारे डिश। रेडी होगी भैया? हाँ जी। चलो भैया, इसको सर्व करा दीजिए भैया। हाँ, इसमें हम अभी चिकन लॉलीपॉप उसको सिल्वर फॉइल में आप इसको अभी आप रेडी करोगे, कवर करोगे उसको। हाँ जी, ओके। और गाइस, जो उन्होंने इनके मेरे को एक बात बहुत ज़्यादा बड़ी लगी है कि वाकई इन्होंने हाइजीन का और सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा। और ये लग रहे हैं लोग गाइस, हमारा चिकन लॉलीपॉप हो गया तैयार और इसके में कभी जाएगी एंड में ग्रेवी। धनिया लो जी, क्या बात, धनिया ऐड हो गया जी, वाइट तेल आ गया, ब्यूटीफुल एंड एक्सेलेंट स्टफ। ये भैया कौन सी सॉस डाल रहे हैं? स्वीट चिली। एंड में जो हमारे चिकन लॉलीपॉप है गाइस, वो गार्निश हो गए हैं स्वीट चिली से। और भैया लो गाइस, एंड में डाल दी इन्होंने हनी चिकन लॉलीपॉप के ऊपर, क्या बात है जी। हो गया भैया रेडी? क्या लगा लगे जी? पटियाला चिकन। पटियाला चिकन जी, क्या बात है जी, पटियाला। क्या डालना भैया, क्या क्या डालेगा जी? इसमें डालेगा अभी हल्का सा गार्लिक डाल दिए, गार्लिक डाल दिया हल्का सा जी, और इसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। लगने के बाद इनका खुद का मसाला गाइस इन्होंने बनाया हुआ है। हाँ जी, हाँ। क्या डाला भैया इसमें? इसमें चोप मसाला डाले सर। क्या डाला उसमें आपने? इसमें मसालों, जो मसाले आपके अपने मसाले हैं चोप मसाले, खाने के बाद सारी दुनिया आपके पास आती है। ये तो सर मैं नहीं बताता हूँ सर, अपने आप नहीं बता सकते? नहीं। क्या बताना नहीं आपने? नहीं बताना सर, बताना नहीं है। क्या ओनर ने मना किया बताने को? हाँ जी, जरूर, ठीक है सर। अभी गाइस, ग्रेवी कौन सी डाली आपने? प्याज टमाटर की दोनों मिक्स है सर। अन्य ग्रेवी की मिक्स डाल दी आपने। और ये क्या गाइस? बटर। बटर आ गया सर। आपको पता गाइस कि जब तक पटियाला चिकन में और अमृतसर चिकन में जब तक बटर नहीं डलता, हमारा जो फूड है वो रेडी नहीं, तैयार नहीं होता। हाँ जी, रेडी नहीं होता। इसमें सर हम ऐड करेंगे नमक। नमक आ गया जी। हाँ जी, और जी मीट मसाला आ गया। मीट मसाला आ गया जी। चिकन मसाला। चिकन मसाला जी। गरम मसाला आ गया। गरम मसाला। धनिया पाउडर। धनिया पाउडर। किचन किंग। किचन किंग। हल्का देगी मिर्च। देगी मिर्च। हाँ जी, हल्का सा हल्दी आ गया। हल्दी आ गया जी। थोड़ा सा कस्तूरी मेथी आ गया। कस्तूरी मेथी आ गया जी। मसालों की तो अपने दुकान यहीं पे लगा दी भैया। अरे धनिया आ गया सर। अच्छा, अदरक आ गया। अच्छा अदरक, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल यार। क्रीम ऐड हो गया सर। क्रीम ऐड हो गया जी साथ में। ओए होए होए होए, क्या बात है जी। गाइस गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे अमृतसर में, पंजाब में कोई भी डिश जो है वो जो अमूल और मक्खन के और क्रीम के बगैर पूरी नहीं होती है, तो भैया ने उसका ही तो भरमार कर दी है। और भाई देखने में तो बहुत ज़्यादा टेंटिंग, माउथ वाटरिंग और अल्टीमेट लग रहा है। और अभी मैं आपको सिर्फ वो खा के बताता हूँ कि हमें इन ग्रिल एंड टेल्स वालों का जो पटियाला चिकन है तो वो कैसा लगा। तैयार हो गया जी। हाँ जी, देख लो गाइस, ये मेरी प्लेटिंग होने लगी है पटियाला चिकन की। ये नीचे का लगाया आपने? हाँ जी, नीचे का डाला आपने एग। हाँ जी, फ्राइड एग। हाँ जी, ऑमलेट उसको बोलते हैं। हाँ जी भाई, जिन्होंने बाउल पे पहले रखा हुआ है ऑमलेट, उसके बाद ऊपर डाला उन्होंने पटियाला चिकन। इसको गार्निश कैसे करेंगे सर? क्रीम डल गया इसमें। ओ क्या बात है जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस स्टफ। क्रीम बढ़ गई। और भैया इसमें फिर से जाएगा मक्खन? हाँ जी, क्या बात है जी, फिर से मक्खन गाइस। लो गाइस, ये हमारा तैयार हो गया पटियाला चिकन। इसमें आ गया सर धनिया। इसमें आएगा बेहद सर, धनिया आएगा जी इसमें गाइस। कर दी भैया ने धनिया की बारिश। अच्छा अदरक आ गया गाइस, ठीक है भैया। हाँ जी, हो गया रेडी हमारा? हाँ जी, हो गया। लो गाइस, कुछ इस तरह से नजर आता है पटियाला चिकन। मिलते हैं गाइस अगले आइटम के साथ, जो हमारी है काली चिकन काली मिर्च की।
हेलो गाइस, हमारा लगने लगा अब ग्रिलजन चेल्स वालों का चिकन काली मिर्च। क्या बात है, ये लो जी स्टार्टिंग में मक्खन गाइस, लो जी भैया स्टार्टिंग में अमूल का मक्खन आ गया जी। क्या बात है, अमृतसर की शान, अमूल का मक्खन मेरी जान। अब शेफ साहब इसमें काली मिर्च आएगा जी, गाइस जैसे आपको पता होगा ऑब्वियस चिकन काली मिर्च है तो काली मिर्च इसमें डलेगी। मगर मैंने सबसे बढ़िया चीज़ और नई चीज़ देखी है जो उन्होंने स्टार्टिंग में डाली काली मिर्च मक्खन के साथ। एक्सेलेंट स्टफ गाइस, एक्सेलेंट स्टफ। सीधा डाल दिया भैया गाइस, इन्होंने पहले डाला अमूल का बटर, फिर डाली काली मिर्च और फिर गया सीधा दूध। दूध और मक्खन से बना हुआ काली मिर्च चिकन आ गया सर। अब चिकन आ गया। चिकन भैया ये अपना चिकन मलाई टिक्का के पीसेस हैं। हाँ जी, चिकन मलाई टिक्का के, चिकन अफगानी के, अफगानी चिकन अफगानी के पीसेस हैं। इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी। हाँ जी। कौन सी भैया? वेजिटेबल ग्रेवी। वेज ग्रेवी, प्याज अनियन वेजिटेबल्स की ग्रेवी है ना। हाँ जी, वेज ग्रेवी। ओके, इसमें आ गया सर कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर आएगा जी। हाँ जी, कोकोनट पाउडर आ गया जी। नमक आ गया जी। मसाला आ गया जी। गरम मसाला। किचन किंग आ गया जी। गाइस किचन किंग आ गया। शुगर के गाइस, शुगर। इलायची पाउडर आ गया सर। कौन सा जी? इलायची पाउडर। इलायची पाउडर, वेरी गुड। इसमें आ गया व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर आ गया जी। इसमें आ गया सर, इसमें भी क्रीम गाइस, अल्टीमेट। और बटर भी गाइस, दो मिनट तक सॉटे करेंगे अभी आप, और उसके बाद रेडी हो जाएगा। ओके चलो गाइस, अब इसकी होने लगी है प्लेटिंग। और गाइस मिलते हैं इसकी प्लेटिंग के बाद सीधा आपको इनके टेबल पे। लो गाइस, मक्खन, क्रीम, दूध, क्रीम वाला, चीज वाला, चिकन, काली मिर्च। लो गाइस, इसके ऊपर फिर से मक्खन जाएगी, इसमें फिर से क्रीम, काली मिर्च गाइस, इसके ऊपर जाएगा लच्छे वाली अदरक। ओके भैया, चलो भैया करा दो इसके प्लेटिंग का और मिलते हैं आपको सीधा टेबल में। इट सीम्स कि हमारा खाना आ गया है। तो गाइस ये हमारा भैया क्या जी, स्टफ मशरूम टिक्का आ गया जी, और सेकंड आइटम पनीर टिक्का मसाला आ गया जी। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। ओके हाँ जी भैया, आपके लेके आए हैं चिकन पुदीना टिक्का, चिकन लॉलीपॉप आ गया जी, वेरी नाइस भैया। चिकन सिंगापुरी है वो भी आ गया गाइस, अमृतसर में सिंगापुर के चिकन के नज़ारे, क्या बात है गाइस, अल्टीमेट। थैंक यू वेरी मच भैया, वेरी नाइस। और भैया इसके बाद जो हमारी इसका रिव्यू करते हैं और इसके बाद जो हमारी ग्रेवीज का आइटम है ना, हमें वो सर्व करा देना, ठीक है भैया? ओके भैया, थैंक यू। ओके तो लो गाइस, हमारा सारा सामान आ गया है। सबसे पहले गाइस जो हमें जो इनके ओनर है नितिन भैया, उन्होंने जो बताया है कि जो इनकी जो सिंगापुरी चिकन है ना, वो इनकी सबसे ज्यादा और हॉट सेलिंग आइटम है। और तो गाइस चेक करो, हम स्टार्ट करने लगे हैं। हेलो गाइस, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ कलरफुल, अल्टीमेट लग रहा है गाइस। अब इसको मैं टेस्ट करके बताता हूँ ग्रिलजन चिल्स वालों का जो चिकन सिंगापुरी है वो कैसा लगता है। थोड़ी देर लेंगे गाइस म्यूनी सॉस, पहले गाइस ट्राई करते हैं एक पीस सिर्फ इनकी म्यूनी सॉस से। गाइस ये खाने के बाद सिर्फ मैं एक ही बात बोलूंगा, अल्टीमेट चिकन, अल्टीमेट स्टफ। गाइस इनकी चिकन की कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत बढ़िया है। मेरे खाने में मतलब 5 से 10 मिनट हो गए चिकन टेबल पे आए हुए, मगर अभी तक मैं गाइस अगर आपको बोलूँ ना तो चिकन अभी तक सॉफ्ट है। ये देखो गाइस चिकन की सॉफ्टनेस, चिकन की स्मूथनेस चेक करो, इतना सॉफ्ट स्मूथ चिकन है इनका, मेरे को तो गाइस बहुत पसंद आया। और गाइस चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो लो मेरे भाईजान, अब आ गया इनका चिकन लॉलीपॉप। हाँ जी गाइस, एक और चाइनीज डिश जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आपको मैं ट्राई करके बताता हूँ चिकन लॉलीपॉप। हाँ जी गाइस, अब इस बार इसको ट्राई करते हैं इस गार्लिक सॉस के साथ। अल्टीमेट नजारे, मैं कहता हूं गाइस ये आइटम तो मेरे कहने में मस्ट रिकमेंडेड है, मस्ट रिकमेंडेड है। पता किसको बोल रहा हूं कि मैंने मुंह में डाला और सीधा हड्डी बार आई है, चिकन अंदर रह गया, इतना सॉफ्ट चिकन है, इसको मैंने ना च्यू भी नहीं किया। इनके पीस देखे आपने चिकन लॉलीपॉप के गाइस, कितने बड़े कितने हैवी हैं। आम रेस्टोरेंट चले जाओ ना तो इससे मेरे ख्याल से आधे पीस मिलते हैं जो 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 इन्होंने पीसे सर्व किए हुए हैं।
और ये जो है जो अपना जो रेस्टोरेंट है ये प्रॉपर पॉकेट फ्रेंडली भी है गाइस। एक पीस इसका और ट्राई करते हैं और फिर चलते हैं हम अपनी अगली डिश की तरफ। इस वाले ट्राई करते हैं, इस मीनू के साथ ट्राई करते हैं। ये वो चीज है जिसको खाने के बाद ना आपके दिल को सुकून मिलता, सुकून मजेदार चटपटी। हाँ जी गाइस बहुत बढ़िया। चलो गाइस हमारी जो थर्ड आइटम है वो है चिकन पुदीना टिक्का। अब लोग गाइस ये आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा खूबसूरत, कितना ज्यादा अल्टीमेट नजर आ रहा है गाइस। मैंने कितना सॉफ्ट चिकन है, ये चेक करो गाइस, ऐसे ही किया, ऐसे किया गाइस, चिकन टूट गया कुछ ऐसा दिखता गाइस इनका चिकन पुदीना टिक्का। अल्टीमेट फ्लेवर ऑफ पुदीना, मिंट का फ्लेवर है ना, इतना ऊपर के आ रहा है, इतना ऊपर के आ रहा है, मैं कह सकता हूँ क्या बताऊं, मतलब कि मजा आ गया। चिकन का फ्लेवर अलग आ रहा है, मिंट का फ्लेवर अलग आ रहा है, ऊपर जो डी ना जो क्रीम डली हुई है उसने जो फ्लेवर को है ना इतना ज़्यादा इन्हेंस कर दिया कि मैं कह रहा हूँ कि चार चांद लगे, चार चांद, इतना अल्टीमेट चिकन का लगा गाइस ये वाला पुदीना पुदीना चिकन टिक्का। अल्टीमेट कितना सुंदर तरीके से पका हुआ गाइस, देखो आप वो चेक कर सकते हो, हैव अ लुक, ऐसे किया और अलग हो रहा है गाइस। इसको बोलते हैं प्रॉपर एक्यूरेट पका हुआ चिकन, अल्टीमेट स्टफ, माउथ वाटरिंग स्टफ गाइस ये वाला। इसको ट्राई करेंगे सॉस के साथ, इसको डालेंगे साथ में गाइस, उन्होंने सर्व किया था कचुंबड़, हैव अ लुक। और गाइस ये कुछ ऐसी दिखती है इनके चिकन पुदीने टिक्के की प्रिपरेशन और बिग बाइट इज गोइंग इनटू योर मिशार जट्स माउथ। आना ही पड़ना आपको यहाँ पे एक बार ही और आगे पता लगेगा कि वाकई ये क्या क्या बनाते हैं और उनके हाथ में क्या क्या हुनर है इनके चेफ्स के हाथ में। और गाइस अभी जो हमारी नेक्स्ट आइटम है ना वो है मशरूम टिक्का मसाला गाइस, जो कि स्टफ्ड है चीज के साथ। हाँ जी गाइस, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टफ्ड मशरूम टिक्का मसाला। हैव अ लुक गाइस, इसकी भी चेक करो कंसिस्टेंसी, कुछ इस तरह नजर आता है इनका मशरूम स्टफ टिक्का मसाला। देखो गाइस जैसे मशरूम है ना ये बनी, ये मैंने ओपन किया, सारी चीज ही चीज है। इसको ट्राई कर बताता हूँ मैं कैसा लगता है, ग्रिल्ड चिकन मसाला का स्टफ चीज मशरूम टिक्का मसाला। ओह माय गॉड यार गाइस, जो वेजिटेरियन लोग हैं ना, वेजिटेरियंस के लिए उनके लिए ये वाली आइटम्स ना मस्ट ट्राई आइटम है, मस्ट ट्राई आइटम। इतना बोलूंगा कि जो वेजिटेरियन वाले बंदे हैं ना वो यहाँ पे आके ये वाली आइटम जरूर मंगाए हुआ है ना। गाइस इसको ट्राई करते हैं हम मिनी सॉस के साथ, हम लोग कुछ इस तरह नजर आती है ये मिनी सॉस के साथ गाइस, स्टफ मशरूम टिक्का मसाला ऑफ ग्रिल्ड चिकन। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ यार, अल्टीमेट मजा, अल्टीमेट सामान, बहुत बढ़िया सामान। नेक्स्ट गाइस चलते हैं इनके पनीर टिक्का मसाला की ओर। गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रिल्ड एंड चिल्स वालों का आ गया है हमारे पास पनीर टिक्का मसाला। हाँ जी गाइस, पनीर टिक्का मसाला हर वर्ल्ड वाइड हर बंदे की पहली पसंद है, वेजिटेरियन वालों की पनीर टिक्का मसाला। हाँ जी गाइस, फर्स्ट चॉइस है सभी की और ये पनीर टिक्का मसाला, और इसको हम ट्राई करते हैं। पनीर तो गाइस ऐसा सॉफ्ट है कि जैसे मैं क्या बोलूँ, जैसे होती ना फिश, होती फिश, फिश जब बनने के बाद टूटती है फ्राई होने के बाद, उस तरह से इनकी पनीर की सॉफ्टनेस है गाइस। हैव अ लुक, आप चेक कर सकते हैं गाइस पनीर की कंसिस्टेंसी और पनीर की क्वालिटी चेक कीजिए गाइस, लुकिंग फैब गाइस, लुकिंग फैब। इसके अंदर गाइस इन्होंने दिया है कचुंबड़, ये लेंगे हम म्यूनिस, थोड़ा डालेंगे इसके ऊपर और करेंगे टेस्ट इनका पनीर टिक्का मसाला ग्रेज एंड चिल्स वालों का। सॉफ्ट एज कॉटन गाइस होती है ना, कॉटन उसको रूम बोलते हैं, उससे भी सॉफ्ट चीज है, और उससे भी सॉफ्ट चीज मार्शमेलो होता है ना, मार्शमेलो कितना सॉफ्ट होता है, उससे भी सॉफ्ट पनीर है इनका। इसके ऊपर डाला गाइस टमाटो, टमाटो जो रोस्ट किए हुए हैं तंदूर में, ठीक है, फिर इसके ऊपर इन्होंने लगाई थी ये शिमला मिर्च, फिर लगाया हुआ ये प्याज। अब गाइस एक बाइट करते हैं टमाटो के साथ, इसके ऊपर रखते हैं शिमला मिर्च और इसके ऊपर रखते हैं अनियन, ये चेक करो गाइस, इसकी देते हैं पूरी फुल बाइट एक। अब लोग गाइस
है नहीं यार गाइस, है गलबात, चेक करो प्लीज। मैं गाइस वेजिटेरियन के लिए मस्ट रिकमेंडेड आइटम फ्रॉम माय सेल्फ फ्रॉम अ साइड ऑफ मिशरा जाट। हैट्स ऑफ गाइस, हैट्स ऑफ टू ग्रिल एंड चिल्स। अल्टीमेट स्टफ में आगे ना मजा ही आ गया गाइस, खा के सारा सामान अल्टीमेट स्टफ है। सबसे बड़ी बात है जिनके शेफ है ना, उन्होंने सारे सामान में ना जो मसाले हैं ना बहुत बैलेंस रखे हुए हैं, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा ज़्यादा है। एक्सेलेंट टेस्ट। तो लोग गाइस यहाँ पे रिव्यू कर रहे थे और हमें अपने भाई बंधु मिले हैं यहाँ पे, इनसे पूछते हैं कि इनको इस रेस्टोरेंट का खाना कैसा लगता है। मैं कहा भाजी की हाल चाल, सत श्रीकाल जी। भाजी सब तो पहले अपना नाम आतम जी। तो लोग गाइस हमारा चिकन काली मिर्च आ गया हुआ है और सबसे मोस्ट अमेजिंग जो मैं कब से वेट कर रहा था, चिकन पटियाला। हाँ जी गाइस, चिकन पटियाला गाइस। इसी के साथ ही लेते हैं चिकन पटियाले को भी, चेक करो गाइस इसकी कंसिस्टेंसी, चेक करो कितनी ब्यूटीफुल मक्खन से भरा हुआ गाइस। और ये गाइस जा रही है आपके भाई के मुंह में। वर्ड्स नहीं है। सो अल्टीमेट, सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग, सो माउथ वाटरिंग, इसका मैं गाइस रिव्यू नहीं कर सकता, सही बता रहा हूँ। ट्राई करते हैं एक चिकन के साथ, बड़ी वाइट चिकन के साथ। कोकोनट का फ्लेवर, क्रीम का फ्लेवर और बटर का फ्लेवर गाइस जो इस डिश में आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। इस डिश ने ना दिल ही लूट लिया, जितनी अल्टीमेट और जितनी प्यारी और स्वाद डिश इन्होंने ये बनाई है गाइस। इसको बोलते हैं ना कि दिल को खुशी खुशी देने वाली जो चीज़ होती है, दिल को सुकून और दिल को खुशी देती है, वो ये जायका है गाइस, वो ये जायका है। इसको बोलते हैं प्रॉपर जायका ऑफ अमृतसर, अमेजिंग। गाइस चेक करो इनके पटियाला चिकन की कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया, मसाला मसाला आ रहा है। ये चेक करो गाइस, दिस इज नोन एज पटियाला चिकन ऑफ ग्रिल चिकन। चेक करो गाइस चिकन की क्वालिटी देखो, कितना वाइट चिकन है ये वाला। तो ट्राई करते हैं गाइस बटर नान के साथ। बटर नान लिया, चिकन लिया और गाइस ये चेक करो कितना जबरदस्त है। देखो मैं बटर कर रहा है, बटर स्पाइसी हार्ट है, खाना पसंद करते हैं ना स्पाइसी वाला, ये चिकन है वो वाला। और गाइस ये जो है ना चिकन काली मिर्च है ना, इसमें जो उन्होंने डाली हुई है काजू की ग्रेवी, मैं कहता हूँ गाइस उन्होंने काजू काजू कर दी है ग्रेवी में, इतना अल्टीमेट स्टफ, इतना अल्टीमेट टेस्ट आ रहा है ना ग्रेवी का, काजू की ग्रेवी का। हैट्स ऑफ टू ग्रिल एंड चिल्स चिकन काली मिर्च गाइस, दिस इज ब्यूटीफुल अल्टीमेट एंड अमेजिंग स्टफ गाइस व्हिच आई एम हैविंग ओवर देयर, ब्यूटीफुल। तो गाइस खाना हमने इनका टेस्ट कर लिया है, अल्टीमेट अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा गाइस अमेजिंग था। मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत से रेस्टोरेंट में ट्राई किए हैं अमृतसर में, मैंने दिल्ली तक ब्लॉक किया, पुणे तक ब्लॉक किए हैं, अगर जो ग्रिल एंड चिल्स वालों के रेस्टोरेंट का मैंने खाना खा लिया ना गाइस, तो मैं क्या बताऊँ, मैं कहता हूँ मजा ही आ गया। जो कि दिल की आत्मा होती, दिल की आत्मा और जो मन होता मन, वो मेरा तृप्त हो गया गाइस आज, खुशी मिल गई मेरे मन को खुशी का खाना खा के, मजाक नहीं कर रहा, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट और मज़ेदार खाना था इनका। और गाइस इसका मैं आपको एड्रेस थोड़ा बता देता हूँ कि ये एड्रेस आपको किस तरह पड़ेगा गाइस, रियर जी टेम्यू ई ब्लॉक, ई ब्लॉक की मार्केट है और सामने ये पड़ता है गार्डन, रोज गार्डन। ये गाइस आपको दिखाता हूँ मैं, वो सामने आएगा रोज गार्डन, ठीक है गाइस, वो रोज गार्डन आ गया और ये रखेंगे ना, और ये आ गया गाइस आपका द मोस्ट अल्टीमेट रेस्टोरेंट ऑफ रंजीत एवेन्यू ई ब्लॉक। और बोर्ड से पता लग जाएगा गाइस ये क्या क्या सामान बनाते हैं, इंडियन चाइनीज तंदूरी और जो बनाते हैं गाइस सब कुछ अल्टीमेटली बनाते हैं। और गाइस जो अमृतसर के बाहर से आ रहे हैं ना, जो जीटी रोड से आ रहे हैं गाइस, ये वाली रोड पड़ती है फतेहगढ़ चूड़ियां बाईपास रोड, और जहाँ से गाड़ी आपको लाइट्स नजर आ रही है ना, वहाँ से आप अंदर आएंगे फतेहगढ़ चूड़ियां बाईपास रोड से लेफ्ट मुड़ेंगे तो सीधा आपको सामने, यहाँ पे सीधा आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको ये मार्केट नजर आ जाएगी भाई गाइस ये वाली। तो और कोई बाहर कुछ इस तरह की एम्बियंस होगी, आपको गाड़ियाँ वगैरह लगी यहाँ पे नजर आ जाएंगी और आप उससे आप पहचान जाएंगे कि आप रंजीत एवेन्यू ई ब्लॉक मार्केट में आ गए हुए हैं। तो ठीक है गाइस वीडियो करते हैं हम यहीं पे खत्म, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने बेल आइकन प्रेस किया ना बेल आइकन प्रेस कर लेना, और नई नई ऐसी बढ़िया बड़ी वीडियोज देखने के लिए। तो ठीक है गाइस टिल देन टेक केयर, हैव फन, गुड बाय, और मिलते हैं आपको किसी ऐसी बढ़िया सी वीडियो के साथ किसी ऐसी और नई जगह पे, किसी और नई प्लेस में, किसी और नई डेस्टिनेशन पे।
टिल देन टेक केयर हैव फन बाय गाइस टेक केयर एंड हैव फन साइनिंग ऑफ योर होस्ट एंड दोस्त निशा द जट और गाइस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बड़ी बड़ी वीडियोज आपके इस चैनल पे आने वाली हैं थोड़े दिनों में।